students, welcome back to GK classes. So our GK book is World Around Me Level 2. Today we are going to do the chapter Emotions, which is on page number 8. So let's begin. Now, before I read the page, that is page number 8, I would like to ask, I hope you all know what are emotions. Remember, we have done in class also, emotions are the different feelings which we show. अलग अलग चीज़ों के हिसाब से हमारे जिस तरह से फीलिंग्स आती हैं, खुश होते हैं हम दुखी होते हैं, उसको इमोशंस कहते हैं. सो इन दिस पेज एज यू कैन सी दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस. ये इमोशंस के इमोजीज बने हुए हैं. फर्स्ट इमोशन लाइक दिस, दैट इज हैप्पी. हैप्पी मतलब खुश. सेकेंड इज सैड. सैड इज दुखी होना. थर्ड इज एंग्री. एंग्री मतलब गुस्सा आना. एंड द लास्ट इज स्केयर्ड. स्केयर्ड मतलब डरना. सो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे अलग अलग इमेजेस बने हुए हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों के हिसाब से बच्चे अपने इमोशंस शो करेंगे. हमें वो मैच करना है. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन, अ गर्ल, शी हैज़ अ डॉल और उसकी डॉल के एक लेग ब्रेक हो गया है, टूट गया है. तो गर्ल क्या होगी? Happy? No. Sad? Yeah, she will be sad because उसकी favorite doll का leg break हो गया है. So we'll make a join a line. Next, this boy, he is standing in front of mic and speaking. बहुत बार होता है ना, जब हम किसी के सामने खड़े होकर बोलते हैं, हम थोड़ा सा डर जाते हैं. So we are little bit scared. So what emotion? Scared. The boy is right now little scared, but I know my students are not scared. आप सबके सामने बोल सकते हो. Next, wow, this girl, she is eating ice cream. So हम आइसक्रीम खा के कैसे होते हैं? Happy. We are very happy to eat ice cream. Last one, two brothers, the younger brother, what he did, इसने अपने बड़े भैया की बुक के पेजेस टियर कर दिए, फाड़ दिए. तो आपको क्या आएगा? गुस्सा. यू विल बी एंग्री. सो वील ज्वाइन दिस, बट सच्ची में गुस्सा नहीं करना है, हम उन्हें प्यार से समझाएंगे. सो बेटा, वी हैव डन पेज नंबर 8, इमोशंस. प्लीज कंप्लीट दिस पेज इन योर बुक. मीट यू फॉर नेक्स्ट क्लास. हैव अ गुड डे. बाय.